Namaste. Greetings to everybody. May we know them. May we be them. May we grow them. With these golden lines, I, Gunja, welcome you all to my very new video channel, Women Pals. Being a woman, it has been always my interest and passion to know about women, to know their needs, to do something for them. जिसके लिए मैं हमेशा से एक प्लेटफॉर्म खोजती थी कि मैं कैसे ऐसा करूं। ये सोचते हुए एक दिन मैं बैठी हुई थी और मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना एक वीडियो चैनल बनाया जाए, एक यूट्यूब चैनल बनाया जाए, जिससे मैं अपनी बातों को आप लोगों तक पहुंचा सकूं और आप लोगों की चीजों को पूरा कर सकूं। तो ये सोचते हुए एक वीडियो चैनल मैंने लॉन्च किया है जिसका नाम है विमेन पाल्स, जहां बातें सिर्फ हमारी होंगी, हम महिलाओं की होंगी, हमारी जैसी बहुत सारी महिलाओं की होंगी जो हमारे जैसा सोचती हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स कम टू द इश्यू। द वेरी फर्स्ट इश्यू दैट कम्स इन अ वुमन्स माइंड, वेदर शी इज वर्किंग, वेदर शी इज नॉट वर्किंग, अगर वो काम करती है या वी कैन से वर्किंग वुमन है, तो वो एक बहुत ही छोटे स्पैन ऑफ टाइम में अपने घर के बारे में बहुत कुछ सोचती है, और अगर वो एक हाउसवाइफ है तो पूरा दिन उसका इन्हीं सब बातों में बीतता है कि हम अपने घर को कैसे सजा सके, हम अपने घर को कैसे सुंदर बना सके। इसके लिए हम अलग अलग जगहों से अलग अलग चीजें खरीदते हैं और इस पे बहुत सारा अननेसेसरी पैसा खर्च करते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि हमारे घर में हमारे वेस्ट, जो हम चीजों को वेस्ट कर देते हैं, वो चीजों से हम अपने घर के लिए बहुत ही प्यारी प्यारी कुछ चीजें बना सकते हैं जिससे हमारा घर बहुत ही सुंदर लगे। तो आज के एपिसोड में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, होम डेकोर, वो भी सिंपली वेस्ट मटेरियल से, जिन चीजों से हम कुछ नहीं करते हैं उन चीजों से अब हम बहुत कुछ करेंगे। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज मैं आप लोगों को एक वॉल हैंगिंग के बारे में बताऊंगी, जैसे कि आप बहुत सारी साइट्स पे Amazon, Flipkart की इस वॉल हैंगिंग को देख सकते हैं। तो वो देख के मुझे आइडिया आया कि क्यों ना इस वॉल हैंगिंग को हम अपने घर पे ट्राई करें। तो आप भी जरूर मेरे साथ इसे ट्राई करेंगे। तो चलिए आप मेरे साथ इस वॉल हैंगिंग को बनाइए और फिर हमें बताइए कि आपको ये वॉल हैंगिंग कैसी लगी। चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो ये एक वेस्ट कार्डबोर्ड है जो मुझे अमेज़न के गत्ते में से मिला। ये ब्लैंक पेपर, इसके बाद हमको चाहिए सीजर, ईओपी, फेविकॉल, सैंड पेपर, पेंट ब्रशेस, एक्रेलिक कलर्स, रोप थ्रेड, हॉट ग्लू गन। हम एक ब्लैंक पेपर लेंगे और उसमें किसी भी रैंडम शेप की एक फिश को ड्रॉ कर लेंगे। अब इस फिश को हम एक कार्डबोर्ड पे, जो वेस्ट कार्डबोर्ड है, उस पर ट्रेस कर लेंगे। नाउ वी विल ट्रेस द फिश ऑन द वेस्ट कार्डबोर्ड टू जनरेट द रेप्लिकेट्स ऑफ द फिश। वी कैन जनरेट एज मैनी एज रेप्लिकेट्स वी वॉन्ट, बट हेयर आई हैव जनरेटेड टू रेप्लिकेट्स। Now we will take POP. To this we will add Fevicol in the ratio of 4:1, yani 4 bhag hum lenge POP ke aur ek hissa hum lenge Fevicol ka. After this, to this mixture we will mix it properly. Is mixture ko hum acche se mix kar lenge aur isme water add karenge. Now to this we will add some talcum powder to make the dough smooth. Now we will bring some basic changes in the structure of the fish. हम इसको ridges से fold कर देंगे ताकि इसकी stiffness थोड़ी सी कम हो जाए। उसके बाद इसको flip करके
दूसरे साइड पे हम पीओपी का जो हमने डो तैयार किया है उसको इवन लेयर्स के फॉर्म में लगा लेंगे। हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो इसकी लेयर लगे वो एकदम यूनिफॉर्म हो और सारे एजेस इस लेयर से कवर हो। Now, with the help of water, we will make the surface of the fish very smooth. Now, we will repeat the procedure for the second fish. As you can see, both the fishes are ready to scrub. Now, we will take sandpaper and a very small piece of that and we will scrub the fish very neatly. Fish ko scrub karte samay hame dhyan rakhna hai ki iski sari surfaces ekdam even aur equal ho jaye. इसके लिए आपको थोड़ा सा इसमें हार्डवर्क करना पड़ेगा। नाउ हियर वी विल ड्रॉ एनी रैंडम डिजाइन दैट इज इन आवर माइंड ऑन द फिश रफली। नाउ वी विल टेक पेंट ब्रश एंड एक्रिलिक ऑरेंज कलर और वट एवर कलर दैट इज इन योर माइंड एंड यू कैन पेंट योर फिश अकॉर्डिंग टू योर मूड एंड अकॉर्डिंग टू योर डिजाइन। I am using orange color as the base color. You can use your own. Now you can see it's looking lovely. Now we will add some tinge of red color on its boundaries. मैंने यहाँ पे red color और orange color का combination लिया है क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आप यहाँ पे कोई भी combination ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। Now we will paint the entire fish with the orange and red color. बाकी की डिजाइन हम इसके ऊपर बाद में ड्रॉ करेंगे जब फिश ड्राई हो जाएगी। Now here I have taken green color. मुझे ऐसा लगता है कि ऑरेंज पे ग्रीन कलर बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट करेगा, इसलिए मैं यहाँ पे ग्रीन कलर ले रही हूँ और कुछ भी इसमें रैंडम डिज़ाइन बना रही हूँ। जैसे कि फिश के स्केल्स होते हैं तो वो इमेजिन करके मैंने यहाँ पे फिश के स्केल्स बना दिए। अब यहाँ पे मैंने डार्क ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन लगाया है और इसमें मैं फिर से कुछ रैंडम स्केल्स पेंट कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थानी डिज़ाइंस जो होती हैं उनमें जो ब्लू कलर होता है उसका जो टिंज आता है वो बहुत ही प्यारा आता है। तो मैं यहाँ पे कुछ रैंडम डिज़ाइन ड्रॉ कर रही पेंट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ डार्क ब्लू कलर। नाउ यू कैन सी मैंने सारे बाउंड्रीज इसमें ड्रॉ कर लिए हैं और अब मैं इसमें कलर फिल कर रही हूँ। अगेन हेयर आई एम यूजिंग ग्रीन कलर टू मेक अ रैंडम डिज़ाइन। आप यहाँ पे कुछ भी अपने चॉइस की डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जो भी आपकी मन को अच्छी लगे, जो भी आपको कलर्स उस समय प्रॉपर और प्यारे लगे। Now after filling the blue color, here I am using black color to draw the outline of all the red margins. आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फिश की आई ड्रॉ की है और एक उसका क्यूट सा स्माइलिंग फेस ड्रॉ किया है। आप जितना ब्रॉड स्माइल इस फिश को देंगे आपकी फिश उतनी ही सुंदर दिखाई देगी। अब मैं सारे मार्जिन्स को ब्लैक कलर से कंप्लीट कर रही हूँ और जिससे कि इस फिश में एक बहुत ही प्यारा सा लुक दिखाई देने स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे मैंने येलो कलर सेलेक्ट किया है इस पे कुछ प्यारे से पोल्का डॉट्स बनाने के लिए। आप देख सकते हैं इन येलो डॉट्स के ड्रॉ होने के बाद ही फिश में एक अलग सा सुंदर सा लुक आना स्टार्ट हो गया है।
अब मैं यहाँ पे कुछ रेड डॉट्स ड्रॉ करूँगी और उन रेड डॉट के बीच में एक मैंने येलो डॉट ड्रॉ किया है, इसके बीच में एक ब्लैक कलर का डॉट दूंगी और उसके ऊपर एक रेड कलर का। ध्यान दीजिएगा कि ये डॉट्स आप तभी एक के ऊपर एक बनाएं जब आपका कलर वेट हो, इससे जो लुक आएगा वो बहुत प्यारा आएगा। अब मैंने इन कलर्स फुल डॉट्स को आउटलाइन कर दिया है और मैंने फिश की कुछ स्केल्स ड्रॉ कर दी हैं। आप देख सकते हैं फिश बहुत ही प्यारी लगनी स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पे मैंने टूथपिक की हेल्प से येलो डॉट्स पे कुछ ब्लैक डॉट्स लगाए हैं। अब इसी तरह से हमने अपनी सेकेंड फिश को कुछ अलग सी एक डिज़ाइन दी है और उसे हमने कलर करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे मैंने पिंक और ग्रीन का कॉम्बिनेशन दिया है, साथ में कुछ येलो डॉट्स इसमें अप्लाई किए हैं। आप देख सकते हैं फिश स्माइल करते हुए बहुत प्यारी लग रही है। यहाँ मैं टूथपिक की हेल्प से इसमें डॉट्स ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि ये डॉट्स बहुत छोटे हैं। यहाँ पे फिर हमने रेड डॉट्स ड्रॉ किए और अब हमने फिश के स्केल्स ड्रॉ किए। आप देख सकते हैं फिश में जो राजस्थानी डिज़ाइन लुक आया है ये बहुत ही प्रिटी लग रहा है। फिर से हम कुछ पोल्का डॉट्स इसमें ड्रॉ कर रहे हैं। आप अपने मन की कोई भी डिज़ाइन इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे, जो भी आपको प्यारी लगे। वाओ, हमारी फिश रेडी हो गई है और देखिए ये कितनी सुंदर लग रही है। चलिए आगे का काम शुरू करते हैं। हम अपने उसी पीओपी डो से दो बॉल्स लेंगे और एक कलर के कैप की हेल्प से प्रेस करके उसे दो कॉइन्स का शेप दे देंगे। इस तरह से कुछ हम इन्हें कॉइन्स का शेप देंगे और अब इसके बाद हम इसे एयर ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये कम्प्लीटली एयर ड्राई हो जाएगा तब हम आगे इसे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे मैंने इन दोनों कॉइन नुमा शेप्स को ब्लू, डार्क ब्लू और ग्रीन कलर में पेंट कर लिया है। आगे हम इसमें डिज़ाइंस दे देंगे। हम येलो कलर की हेल्प से इसमें कुछ व्हील का शेप देंगे। अब इसी तरह से हम दूसरे वाले कॉइन में भी येलो कलर का व्हील शेप देंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरी छोटी सी बिटिया जब मैं ये ड्रॉ कर रही थी तो उसने इस फिश का नाम गोल्डी फिश रखा है। तब से हम अपने घर में इन दोनों मछलियों को गोल्डी के नाम से ही बुला रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ मार्केट से बीट्स ले रखी हैं, पहले से मेरे घर में पड़ी हुई थी, इनको यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया है। आप चाहे तो आप पीओपी की हेल्प से इन बीट्स को बना सकते हैं और उसको टूथपिक की हेल्प से प्रिक करके उसको ड्राई कर दीजिए और फिर उसे पेंट कर दीजिए। अब यहाँ पे मैं अपने इन रखे हुए बीट्स को यूज़ करके एक बहुत प्यारा सा लुक दे रही हूँ। आप चाहें तो आप ये बीट्स ले सकते हैं, ये आपको बहुत ही सस्ते और बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। ये देखिए मैंने हॉट ग्लू गन से इन सारे डिज़ाइंस को फिश और जो हमने कॉइन्स रेडी किए थे इस पर स्टिक कर लिया है।
अब हम सारी आगे की बीट्स रोप थ्रेड में डालते जा रहे हैं। जल्दी से सारी फिशेस और सारी डिजाइन्स हम हॉट ग्लू गन की हेल्प से रोप थ्रेड पे स्टिक कर ले रहे हैं। So my viewers, now our goldfish is about to complete. We are arranging all the beads in the thread in random sequence color. So my viewers, यहाँ पे मैंने रोप की और बीड्स की हेल्प से एक नॉच प्रिपेयर किया है। इस नॉच को हम हॉट ग्लू गन की हेल्प से अपने फिश के बैक साइड पे स्टिक कर देंगे। ये देखिए, ओह अगेन सी द मोस्ट ब्यूटीफुल हैंड्स इन द वर्ल्ड, माय डॉटर्स हैंड। दीज हैंड्स आर मेकिंग दीज गोल्डी फिश मोर प्रिटी एंड मोर ब्यूटीफुल। शी इज ऑल्सो हेल्पिंग मी इन डेकोरेटिंग द फिश। So here comes the final reveal of the fish. Enjoy. So viewers, if you have liked my creation and my video, do subscribe my channel and hit the like button. See you all in next episode. Till then, bye bye.